भैया कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? यही के लोकल है। अच्छा अच्छा, अभी चुनाव है, क्या तैयारी है? तैयारी तो है, है। तो क्या लग रहा है, किसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं इधर से? भैया हम लोग तो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। बीजेपी में तो कोई है नहीं, नहीं? उपेंद्र कुशवाहा जी है ना, उपेंद्र कुशवाहा जी। मोदी जी के नाम पर वोट देना है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो फर्क नहीं है। तो क्या पवन सिंह में क्या कमी है? पवन सिंह तो बहुत अच्छे कलाकार है। कलाकार यहाँ काम करेगा, यहाँ मोदी जी के नाम पर जो भी होगा लूला लंगड़ा सबको वोट दिया जाएगा, स्पष्ट बात है। यहाँ कलाकार और फिल्मी स्टार को जरूरत नहीं है, मतलब हीरो ना चले जी, ना हीरो नहीं चाहिए, मतलब सांसद चाहिए जी, चश्मा उश्मा लगा के प्रचार करे। मिले पवन सिंह? पवन सिंह से मिले? पवन सिंह से, पवन सिंह हम ही है, पवन सिंह को क्या जरूरत देगा? यहाँ हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के छोड़ कोई देगा? किसी को नहीं देगा, मतलब बीजेपी के ही वोट, बीजेपी के। हाँ तो पवन सिंह पूरा चश्मा लगा के वोट मांग रहे हैं, जान है कि सब कोई वोट काट, जिसका मन अपना देगा वोट, जिस वोट काटने आए पवन सिंह, अब जिसका मन है वो जो देगा, अपना काटने के वोट क्या करना है, इसका जिसका दिल है वो वहाँ देगा। अच्छा, अगर पवन सिंह भाजपा से खड़े होते तो फिर भी भाजपा में जाते? हाँ भाजपा में जाता आराम से, कोई नहीं देंगे, कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन बताइए बीजेपी के तरफ से टिकट भी मिला पवन सिंह को, लेकिन पवन सिंह को घमंड उमंड क्या आ गया? नहीं नहीं, टिकट कहाँ मिला है यहाँ पवन सिंह? यहाँ से नहीं मिला, आसन से मिला, आसन से। वहाँ पवन सिंह वहाँ ऐसा गाना गया था, वहाँ ऐसा शब्द के में वहाँ लोग भड़क गया, इसलिए अश्लील गाना गाते। हाँ न तो वहाँ पवन सिंह का सीट मिला था। क्या लगता है वो अपना लॉस कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, जिसका दिल है वहाँ देगा, समझ के इंतजार है। देखिए इधर काका काका बोल रहे हैं, भैया काका जी, क्या काका जी, लोग कह रहे हैं पवन सिंह चश्मा लगा के वोट मांग रहे, मिल जाएगा, जिसको जो काम है वो करेगा, हम लोग का जो काम है हम लोग करेंगे। हाँ आपका क्या काम है? हम लोग को मोदी को देखना है, जिसको मोदी हाथ रख देगा उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ मोदी जी को बहुत मानते हैं, काहे नहीं मानेंगे, कौन खराब काम कर रहे हैं? लगता है पवन सिंह गलत किए हैं मोदी जी का हाथ छोड़ के? हम उतना वो सब हम नहीं जानते हैं, हमने क्षेत्र से जो हम मोदी को वोट दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का वोट हम लोग नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तरफ से गठबंधन के तरफ से तो वही है ना, मोदी को वोट हम लोग देंगे और दे रहे हैं। अच्छा अगर पवन सिंह वोट मांगने आएंगे तो दीजिएगा? वो तो सब कोई आएगा, तो हम लोग का जो काम है वही तो कर रहे हैं, जो करना है कर लेंगे। अच्छा वोट मांगने हर कोई आएगा, लेकिन इनको जो करना है वही करेंगे, है ना? हाँ भैया जी क्या है, भैया चुनाव भाग रहा है, बताइए आप लोग बात कीजिए, आप लोग वही युवा है, युवा क्या भैया क्या लगता है इस बार किसका चांस है काराकाट से? आपको मालूम नहीं किसका चांस है? कुछ तो होगा ना, बता दीजिए। हमारा कोई चांस नहीं है, कोई कुछ हम लोग खाने के नहीं देगा, नहीं देगा, मतलब नेता पे भरोसा नहीं, नहीं है, सब अपना रोटी सेकने आता है, सब रोटी सेकने आता है। पवन सिंह तो भाई बहुत बड़े कलाकार है, कलाकार है जाए जो भी हो, अपना देखता है, हम लोग को थोड़ी देखता है, कोई नहीं देखता है। आप लोगों के लिए कुछ पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ किए कि नहीं? पवन सिंह तो बहुत कमाए बिहार में रह के, तो रह के कमाए हैं तो क्या किए हैं, हम लोग खाने का दिए हैं, कोई नहीं देता है। उपेंद्र कुशवाहा से शिकायत तो है यहाँ के लोगों को, लेकिन बस ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से है, बीजेपी के साथ हैं, हमको मोदी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मोदी जी में ऐसा दम है भैया, मोदी जी में कुछ तो बात है, क्या भैया मोदी जी या पवन सिंह, क्या आप लोग क्या कहिएगा? पवन सिंह आ रहे हैं वोट मांगने, दीजिएगा। देखिए मोदी जी को तरफ से जो भी आएंगे उनको वोट दिया जाएगा, पवन सिंह ऐसा चाहता है पूरा जनता के, मैंने ऐसा बात नहीं है, लेकिन पवन सिंह से खास करके मतलब नहीं है, मतलब है कि जो मोदी के थ्रू जो भी खड़े होंगे कंडक्ट उनको वोट दिया जाएगा, मोदी का सरकार बनना चाहिए, बनना चाहिए, बार बार बनना चाहिए। हाँ अच्छा पवन सिंह का गाना पसंद है, मतलब सांसद बन जाएंगे तब वो पसंद आएंगे? ऐसे आएंगे क्यों नहीं, जरूर आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं पसंद आएंगे। देखिए क्या क्या काका कुछ बोले, क्या बोले काका? हम बोले पवन सिंह का वही वोट देगा, जिसको वोटर लिस्ट में नामे नहीं है वही देगा पवन सिंह का, हवा हवा में जाओ कोशिश करेगा, जिसको वोटर लिस्ट में नामे नहीं है तो वही सब भीड़ लगा रहा है, वही उसको पीछे जा रहा है, हम लोग थोड़े जाएंगे। पवन सिंह को जान रहे हैं? पवन सिंह को जान रहे हैं। कौन है पवन सिंह? पवन सिंह हीरो है, हीरो है। हाँ तो हीरो यहाँ से खड़े हुए हैं सांसद के लिए। हाँ तो ठीक है, क्या है मतलब विचार क्या है?
विचार है, वोट दिलाएगा। हाँ काका जी बोल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, वोट देखिए दिलाएगा, समझ गई। और मोदी को भी वोट हम देंगे। अब मोदी जी को भी दीजिएगा, पवन जी को भी दीजिएगा। वो किनके पार्टी से है? पवन सिंह निर्दलीय है ना? निर्दलीय है तो हम मोदी को वोट देंगे। और मोदी साहब हम यही कहना चाहते हैं कि बूढ़ा पेंशन बुजुर्ग को 1000 पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन बहुत कम है। हाँ 400 रुपए में हम लोग का काम नहीं होता है, 1000 पेंशन हमको चाहिए। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? देखिए हमारे गांव में आरजेडी की संख्या ज्यादा है। आरजेडी को सपोर्ट कर जी रहे? तो अच्छा, यहाँ पे काराकाट में सबसे ज्यादा संख्या किस जाति का है? कुशवाहा की जाति का है। तो उपेंद्र कुशवाहा का चांस है? कुशवाहा जी के देखिए पहले आप बता रहे 2-3 महीना करीब करीब बरसात के समय तब मैं गया से आ रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा जी का इधर से रैली जा रहा था, वो हुरका में हमको मिला। ठीक हुरका में जब मिला तो वो क्रॉस किए, उससे पहले हमारे यहाँ पुल टूटा हुआ है। अभी फिर हाल में कुछ लोग जानकारी के मुताबिक मिला कि उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछा गया कि ये पुल टूटा है आपको जानकारी नहीं, पुल कब से बनेगा? तो उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि हमारे तो मतलब जानकारी ही नहीं पुल टूटा हुआ है। तो हमने सोचा कि इतना पहले आप वहाँ बरसात में आए थे, आपको इतना दिन से पुल टूटा है आपको जानकारी नहीं है। मतलब नेताजी जीत कर सो जाते हैं क्या? सो जाते तब ना, कब आए हैं यहाँ? आते हैं हाली। दूसरी बात कि हम भी कुशवाहा हैं, लेकिन कुशवाहा है तो फिर भी हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? हाँ। आरजेडी से कौन खड़ा है? ओ राजा राम शायद है। आप भी राजा राम को वोट कर रहे हैं? पवन सिंह को क्यों नहीं जी? नहीं करेंगे, वो बाबू साहब हैं। ठीक वो बाबू साहब हैं, वो बाबू साहब अपना बाबू साहब की केवल पहचानते हैं, दूसरी छोट कास्ट जाति को जरूरी नहीं है। नहीं है जरूरी नहीं है। नहीं नहीं तो वो ऐसा बात नहीं ना है। वो देखिए बड़ जो व्यक्ति होते हैं वो छोट के नहीं पहचानते, लेकिन छोट इंसान हर बड़ को पहचानता है, समझ लीजिए। इसलिए हम लोग उनका, दूसरी बात कि उनका नेता से नेतागिरी से उनका अभी लगाव नहीं है, उनको खुद नहीं आता है कि मैं नेता हूँ। नेता से उनका खुद नेता के बारे में जान के एक वीडियो में वो भी बोले हैं कि अभी तो भैया हमारे नेता के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक हमको सपोर्ट कीजिए, हम यहाँ और यहाँ रहेंगे और इसी तरह में काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, वैसा नहीं लग रहा। मान लीजिए पवन ठीक है बन रहा है, दूसरी बात को उधर पहले मनोज तिवारी थे, उनका भी मतलब किसी तरह मान लीजिए उनका भी नेता से नहीं था, लेकिन वो जीत गए। निरहुआ जो भी है वो भी मान लीजिए नेता से, तो ये भी सोच रहे हैं कि उभर, हम भी उभरें, उभर सकते हैं, लेकिन हाथ उभर सकते हैं मतलब उभर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं उभर सकते, उभर सकते हैं, पर मान लीजिए उनका भी उभरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उनका लगाव उतना नहीं है। दूसरी बात लोग गाना वाना गाने लगेंगे, जनता के बीच नहीं रहेंगे। हाँ अपना वो तो अपना जो है तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात कि मान लीजिए वो अपना दिल्ली मुंबई देखने लगेंगे तो फिर जनता को, जब यहाँ के व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र के होकर जब काम नहीं कर रहे हैं तो वो तो मुंबई दिल्ली से फुर्सत कहाँ होगा कि हाँ अपना क्षेत्र में काम करेंगे। एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि ये बेचारे गरीब लोग किसान लोग अब समझ गए हैं कि जो अपने क्षेत्र के लोग रहेंगे ना उन्हीं को चुनेंगे, काहे कि काम नहीं करेंगे तो हम फिर जाएंगे। कुशवाहा के विरोध कर रहे हैं, कुशवाहा है लेकिन फिर भी कुशवाहा के विरोध कर रहे हैं, नहीं करेंगे काम, नहीं करेंगे तो वोट नहीं दीजिए, नहीं करेंगे चाहे कोई पार्टी हो। हम अपना दिल के बात बता रहा हूँ कि मेरा आरजेडी से हमेशा दुश्मनी की तरफ लगता था, लेकिन वो काम देखा है, हर बहाली निकाले, इसलिए हमका उनका दायित्व बनता है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। आरजेडी को कितना सपोर्ट मिल रहा है? हमारे यहाँ 75% से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्या बीजेपी में और आरजेडी में लड़ाई रहेगा? पवन सिंह छट गए? हाँ छट जाएंगे। मतलब लोग हल्ला करें पवन भैया जीतेंगे, पवन भैया मतलब है उससे कुछ मतलब नहीं से कोई होता नहीं ना है। जहाँ उनका क्षेत्र होगा बाबू साहब के एरिया होगा वहाँ कह सकते हैं कि हाँ पवन भैया जिंदा, पवन जाति के नाम पर कुछ वोट मिले, लेकिन और ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं है। चाहे वो खेसारी भाई अकेले के घूमे या चाहे किसी को लेकर घूमे, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ एक्यूरेट वोट गिरेगा आरजेडी का, समझ लीजिए। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं भैया, बीए फाइनल है, बीएड कर रहे हैं। आपके जैसे अगर यहाँ पर जनता हो गई ना बिहार की जनता, तो बिहार को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हम कहीं बोलते हैं दहाड़ के बोलते हैं, समझ लीजिए, हमको किसी से डर नहीं होता है। पुलिस भी जाते हैं, एसपी भी जाते हैं, डीएम भी जाते हैं, हम कहीं नहीं डरते हैं। गलती करते हैं तो सजा दीजिए, क्यों बोलेंगे डरेंगे? अपना कमाई खाते हैं, कमा कर पढ़ते हैं,
गार्जियन का अपना भोजन वोजन सब करते कर। क्या नाम है आपका? मेरा श्री राम कुमार नाम है। श्री राम, इनके लिए एक थोड़ा ताली बजाइए भैया, बहुत जागरूक आदमी है, बहुत जागरूक आदमी है, जनता को इसी तरीके से जागरूक होना पड़ेगा। गरीब परिवार से हूँ, मेरे पढ़ने का कोई सपोर्ट नहीं करता है। मेरा अपना दोस्त यार भी वैसा बोलते थे कि हम तुम्हारे पढ़ने के लिए कुछ खर्च करेंगे, वो भी आज रेलवे ड्राइवर है, सिपाही है, लेकिन मुझे कोई पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करता है। खुद कमाता हूँ और खुद पढ़ता हूँ, उसमें गार्जियन भी मतलब गार्जियन का भी अपना दायित्व अपना काम करते हैं, लेकिन खुद अभी मैं बीएड कर रहा हूँ लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं है। मेरा खेत बधारी भी नहीं है, कमाता हूँ पढ़ता हूँ। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि भाई हम जात के नाम पे वोट नहीं देंगे, जो विकास करेगा वोट उसको मिलेगा, जात के नाम पे नहीं, काम के नाम। हाँ, काम के नाम पे वोट देते हैं, सब में होना चाहिए, तभी हमारा बिहार विकास करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।